क्या लगता है? अमावस्या में। क्या अमावस्या का चंद्र दिखाई देता है रात में? नहीं। तो अमावस्या में लगता है। देखिए कैसे लगता है, ये सूर्य, ये क्या है? सूर्य। देखिए और ये जो है पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी और ये चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, है ना? ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, और ये जो है पृथ्वी जो है सूर्य का एक ग्रह है। देखिए एकदम सीधी लाइन में चंद्रमा आ गया है पृथ्वी के बीच में, है ना? देख रहे हैं ना? तो फिर ये इसकी जो छाया है सूर्य पर पड़ता और इधर देखिए तो क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि सूर्य ग्रहण हो गया, यानी ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा मतलब चारों तरफ घूमते रहते, वही परिक्रमा करने के क्रम में पृथ्वी भी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चे इधर देखेंगे चंद्रमा जो है ठीक इसके सीधे बीच में आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। कहाँ पड़ने लगती है? तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, समझ गए? अब दूसरा है चंद्र ग्रहण। क्या है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन रात में लगता है, पूर्णिमा के रात में। सूर्य ग्रहण सूर्य में लगता है और चंद्र ग्रहण चंद्र में लगता है, चंद्रमा का। तो कैसे लगता है? देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। अभी चंद्रमा यहाँ है, पहले चंद्रमा यहाँ आ गया था ना घूमते घूमते, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है चंद्रमा। तो उसी क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि ये चंद्रमा जो है सूर्य, चंद्रमा नहीं, ये पृथ्वी जो है बीच में आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी। तो वही छाया पृथ्वी पर पड़ने लगता है, चंद्रमा पर पड़ने लगता है, सॉरी चंद्रमा पर पड़ने लगता है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है? देखिए यहाँ सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये क्या है? चंद्रमा है, है ना? एकदम सभी एक सीध में आ गया है और बीच में पृथ्वी यहाँ आई है। क्या आई है? एकदम सीध में चंद्रमा यहाँ है। तो ये ग्रहण दिखलाता है, ये चंद्र ग्रहण हो गया। क्या हो गया? चंद्र ग्रहण।